इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां किसानों को स्लॉट बुक करना होगा। अब समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुक करना पड़ेगा। 28 मार्च से इंदौर उज्जैन संभाग में गेहूं की खरीदी शुरू होगी और 4 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू की जाएगी। सोमवार से शुक्रवार के बीच गेहूं की खरीदी की जाएगी। किसान खुद मोबाइल से स्लॉट बुक कर सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार के बीच गेहूं की खरीदी शुरू की जाएगी और खुद अब किसान अपने ही मोबाइल से स्लॉट बुक कर सकते हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने की खरीदी शुरू की जाएगी। 28 मार्च से इंदौर उज्जैन संभाग में गेहूं की खरीदी शुरू की जाएगी और 4 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू होगी और उसके लिए किसानों को स्लॉट बुक करना होगा और अपने मोबाइल से अब किसान स्लॉट बुक कर सकते हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए अब स्लॉट बुक करना होगा। 28 मार्च से इंदौर उज्जैन संभाग में शुरू होगी गेहूं की खरीदी। बता दें 4 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू की जाएगी और उसके लिए अब किसान को स्लॉट बुक करने होंगे और अपने मोबाइल से भी अब किसान स्लॉट बुक कर सकते हैं। मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गई। अमृतांशी, अब किसान भी आराम से अपने मोबाइल से स्लॉट बुक कर सकते हैं, क्या कुछ इसकी प्रक्रिया होगी और कब से स्लॉट बुकिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो किसान जो है वो अब समर्थन मूल्य पर गेहूं की बिक्री कर सकते हैं और इसी को लेकर जो स्लॉट बुकिंग है वो शुरू की जा चुकी है। मैं आपको बता दूं कि 3 दिन पहले से जब ये बिक्री शुरू होगी उसके 3 दिन पहले से किसान अब स्लॉट बुक कर सकते हैं और 3 दिन पहले ही जो स्लॉट बुकिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सरकार का कहना है कि ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के ज़रिए बहुत आसानी से बिक्री हो सकती है और जो किसान है उनको भी सही समर्थन जो मूल्य है उस पर अच्छे से उनकी बिक्री हो पाएगी। मैं आपको बता कि जो उज्जैन भोपाल संभाग में 28 मार्च से शुरू की जानी है ये और इसी के पहले स्लॉट बुकिंग अब शुरू हो सकती है। एमपी गवर्नमेंट का जो उपार्जन पोर्टल है वहाँ पर ही स्लॉट बुकिंग शुरू की जा चुकी है और इसी को लेकर आगे जाके पूरी योजना बनाई गई है। कुछ दिन पहले ही मंत्रियों ने कहा था कि अब जो व्यवस्था चलेगी वो पूरी ऑनलाइन चलेगी, ऐप के थ्रू भी ट्रैक किया जाएगा इसको पूरी तरीके से और स्लॉट बुकिंग होगी। तो अब इसी के जरिए किसान जो है स्लॉट बुक कर सकते हैं ताकि वहाँ जाकर उनको पर्ची खरीदने की परेशानी ना हो और आराम से वो जो गेहूं है और जो उसकी जो धान खरीदी की खरीदी शुरू होने वाली है उसकी वो आराम से समझ कर सके। मैं आपको बता दूं कि जो स्लॉट बुकिंग जो है वो जो जिला केंद्र है स्लॉट बुक कर सकते हैं और आराम से स्लॉट बुक किया जाएगा। मितांशी, बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर हम अपडेट लेते रहेंगे।